इंदौर नगर निगम ने एक बार फिर अमानक पॉलिथीन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने मोती तबेला क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई कर मौके से करीब 3 टन अमानक पॉलिथीन जब्त की है। त्योहारों के मद्देनजर अमानक पॉलिथीन को लेकर इंदौर जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम द्वारा विभिन्न तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मोती तबेला क्षेत्र में एक स्थान पर क्रम में निगम की टीम ने छापा मारा और करीब 2.5 से 3 टन अमानक पॉलिथीन जब्त की है। स्वास्थ्य अधिकारी गौतम भाटिया ने कहा कि पॉलिथीन जब्त करने के साथ ही स्पॉट फाइन भी लगाया गया। वहीं नगर निगम आयुक्त शिव वर्मा ने स्पष्ट कहा कि अमानक पॉलिथीन संग्रहण करने वालों पर निरंतर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई की मुखबिर की सूचना मेरे को मिली थी यहाँ पर कि यहाँ पर पॉलिथीन की एक खेप उतरी है, तो उस आधार पे आकर यहाँ का देखा जाता है। यहाँ ताला लगा रखा है उन्होंने, इनको उठाया मैंने, मैंने आपके एक बार जांच करा दो मैंने आपके यहाँ की, तो कहना मेरा तो किराने की दुकान है, तो मैंने कहा आप जाँच तो करा दो मुझे। जाँच करे तो सामने कम से कम 10-12 कट्टे पड़े थे और ऊपर इन्होंने क्या करा था, एक छोटा ताला लगा के और कुत्ता छोड़ दिया था। तो ये कहने लगा यहाँ पर वो किराएदार रहते हैं, तो किराएदार रहेगी तो मेरा बुलवा लो, ताला तोड़कर दूसरा लगा देगा। मैंने मेरे को चेक कर देखा रहा, ऊपर बहुत सारा माल था, 70 से 80 कट्टे प्राप्त हुए। ये हमारे जो अभिलाष मिश्रा सर है उनके निर्देश पर कार्रवाई की गई है। कितने का माल होगा? माल 3-4 लाख का माल है। इसी कार्रवाई के लिए आपने सूचना दी थी या फिर मुखबिर के द्वारा? मुखबिर से सूचना मुझे मिली थी, विशेष यहाँ आके रुक के मैंने रात में डाल दी। मेरा नाम अनिल सिरसिया, CSI जोन किरमान 2। इसके द्वारा ही कार्रवाई हुई है जी सर, बताइए आज कार्रवाई करिए कितना क्या लगा इतना? हाँ, हमने लगातार पॉलीथीन पर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। प्रतिबंधित पॉलीथीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में त्योहारों पे और सब्जियों में यूज़ हो रही है, निगम लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है। आज भी हमको रात्रि में मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मोती तबेला में ये लिखार जी हैं कोई, और इनके घर में जो है काफ़ी मात्रा में पॉलीथीन संग्रहित है। आज हमने निशादेही पे रात को 10-10:30 बजे के आसपास यहाँ छापा मारा है और यहाँ लगभग 70-80 कट्टे के आसपास लगभग 2 से 2.5 टन माल तो दिख रहा है ऊपर दिखाने में, लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए कीमत है। और अब इन पे हैवी स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी की जाएगी। मैं गौतम भाटिया, स्वास्थ्य अधिकारी। देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह बैन है और नगर निगम इंदौर अपने इंदौर जो शहर क्षेत्र है उसमें हम ये कार्रवाई सख्ती से कर रहे हैं ताकि जो प्लास्टिक के कारण जो पर्यावरण को दिक्कतें होती हैं, प्लस साथ ही साथ वो सफाई के लिए न्यूसेंस होता है, उन सभी चीज़ों को दूर किया सके। और इसके लिए जो इसका जो कलेक्शन करते हैं या इसका जो होलसेल करते हैं या वितरण होता है, उन सभी पॉइंट्स पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ भी लगाई जाती है, प्लस जब्ती की कार्रवाई भी की जाती है। और साथ ही अभी माननीय कलेक्टर सर ने भी इसमें धारा 163 का आदेश भी जारी किया, जिसमें कन्फेटी और ऐसे तमाम जो उत्पाद हैं उस पर बैन लगाया गया है। तो इन सब का भी पालन करते हुए हम लोग सख्ती से प्रयास करेंगे ताकि इंदौर शहर का जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो बेहतर है। सर, व्यापारियों ने 7 दिन का समय भी मांगा था कि 7 दिन में जो माल उनके पास में पड़ा हुआ है उसे वो वापस भेज देंगे। देखिए, हमने ये पूर्व में भी हम बिल्कुल उनको समय दे रहे हैं उनको, पूर्व में भी उनको काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो अपना जो भी माल उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसका वो निस्तारण कर ले। और हमने उनको ये भी एक ऑप्शन दिया है कि आप नगर निगम को ही ये पूरा दे दें, हम उसका सेफ्टी से जो डिस्पोजल होता है साइंटिफिक तरीके से वो कर देंगे, तो वो हमको भी सौंप सकते हैं इस चीज़ को। तो ये भी दिया गया, लेकिन हाँ, उसके बाद हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, बेसमेंट और पार्किंग को लेकर भी कार्रवाई चल रही है।